खबर फरुखाबाद से, पुलिस की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। पुलिस की लापरवाही से युवक की हुई मौत। मृतक के परिजन शव लेकर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आवास, वहां पर काटा हंगामा। पुलिस ने पीड़ित को 24 घंटे थाने में रखकर शांति भंग में किया चालान। दबंग की मारपीट से युवक की आई थी साइट पर गंभीर चोटें। 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने पर उपचार के अभाव में पीड़ित की हुई मौत। आरोपियों ने 6 दिन पूर्व हरिश्चंद्र को मारपीट कर किया था घायल। पुलिस ने पीड़ित हरिश्चंद्र को पकड़ के थाने ले आई और उसका शांति भंग में चालान कर दिया। घायल पीड़ित कई घंटे थाने में रहा पुलिस हिरासत में, लेकिन नहीं मिला उपचार। पीड़ित के परिजनों ने जमानत कराने के बाद निजी अस्पताल में कराया भर्ती। उपचार के दौरान हुई घायल युवक की मौत। आक्रोशित परिजन शव लेकर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आवास। पुलिस पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस की लापरवाही से गई जान। थाना अध्यक्ष सहित आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का किया दिया गया प्रार्थना पत्र। पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को कार्यवाही का दिया आश्वासन। बता दें आपको, थाना जहानगंज के रिठौरा का मामला है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कमल। कमल, क्या घटना रही और कौन थे ये? हमारे चाचा थे पूरे घर, और उन्होंने हमारे पिताजी को मारा था और हम लोग थे नहीं। अच्छा, आपके बाबा का क्या नाम है? श्री राम नरेश। उनके कितने पुत्र हैं? 4 थे, पहले से ही खत्म हो गए थे। हाँ। और ये सबसे बड़े हमारे पापा थे। अच्छा अच्छा, जिनसे लड़ाई हुई है वो हमारे घर के ही थे। वो आपके घर के ही थे? चाचा जी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अच्छा, बोरिंग किस चीज़ की हो रही थी? समर की बोरिंग हो रही थी, तो बोरिंग को लेके भी बात हुआ था। फिर क्या रहा उसमें? लड़ाई झगड़ा हुआ। चोटे आप आई हैं तो थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे आप? हाँ, तो क्या हुआ वहाँ, क्या रहा? थाना कौन सा लगता है आपका? जहानगंज लगता है। कोई सुनवाई नहीं हुई थी उसके बाद? फिर उसके बाद क्या रहा? चालान कर दिया, बंदरक का चालान कर दिया। अच्छा, चालान किसका किया था? आपके पिताजी का। तो वहाँ बंद रखा था उनको? 24 घंटे रखा, उसके बाद जमानत कराई। हाँ, उसके बाद जमानत कराई थी, फिर हमने कचहरी लेके जमानत कराई थी। जमानत उसी दिन हुई थी या दूसरे दिन हुई थी? दूसरे दिन। अरे यार, जो जमानत कराई थी वो दूसरे दिन कराई थी। अच्छा, इस मतलब उस पीरियड में कोई FIR और मेडिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ था? वो बंद करके रखा था उन्होंने अंदर, बंद कर लिया था। अच्छा, उस पक्ष को भी बंद किया था? उन्हें बंद नहीं किया था। उनके पे कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, फिर मतलब हालत कैसे एकदम खराब हो गई इनकी? हालत उनके अंदर पेट में थोड़ी जख्म वगैरह बन गया था, दिक्कत थोड़ी आ गई थी, इसलिए दिखाया हॉस्पिटल में। कहाँ ले गए थे आप? सिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ ट्रीटमेंट चला आपका? ट्रीटमेंट चला था, पर मतलब तब तक लेट हो गए। अच्छा, लेट हो गए थे। कल कप्तान साहब के यहाँ भी आपने बंगले पे घेराव किया था जी। तो वहाँ क्या आश्वासन मिला था? वही उन्होंने कहा देखेंगे, अभी मदद करेंगे। मदद करेंगे। वहाँ पर FIR नहीं हो रही थी हमारी, धाने में। तो FIR हुई है अभी कि नहीं? पता नहीं, अभी जा रहे, देखेंगे। अभी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, बॉडी कहाँ ले आए थे आप? बॉडी यहाँ पर लेके आए हैं। कहाँ पर? जिला अस्पताल फरुखाबाद में अंदर।